This video is brought to you by Ultium 365 via the World Designs Electronic. आप सभी की डिमांड है, फाइनली यहाँ पे हमने नई साइकिल परचेज कर ली है। तो लास्ट वाला जो हमारा अनबॉक्सिंग का वीडियो था साइकिल कन्वर्जन किट का, तो काफी लोगों का डिमांड था कि सर ये किट जो है हमको साइकिल में इंस्टॉल करके दिखाइए। तो इंस्टॉलेशन करने से पहले हमको एक साइकिल की रिक्वायरमेंट थी जो हमने अगले दिन ही जाके परचेज कर ली है। तो एक बार जो हम लोग ये बबल रैप को निकाल के साइकिल देख लेते हैं, उसके बाद जो आपको किट इंस्टॉल करके दिखाते हैं। यहाँ पे साइकिल तो आपने देख लिया, फटाफट स्टार्ट करते हैं कन्वर्जन। तो कन्वर्जन में सबसे पहले हमको क्या करना है, पीछे वाला जो व्हील है उसको रिमूव करना है और वहां पे जो व्हील के अंदर हब मोटर फिट करना है। तो यहाँ पे व्हील को रिमूव करने के लिए आपको 15 नंबर के टूल्स चाहिए होंगे, इसके हेल्प से जो आप इसको खोल सकते हैं। यहाँ पर हमने व्हील को रिमूव कर दिया। व्हील को रिमूव करने के बाद बीच में जो ये हब लगता है, इस हब को हमको चेंज करना है। इसकी जगह पे हमको जो है मोटर लगाना है, तो फटाफट इसको चेंज करते हैं। तो यहाँ पे हमारा जो मोटर फिट हो गया है और इसके पीछे यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे हमने जो है इसमें गियर डिस्क लगा दिया है। तो ये जो मोटर का फिटमेंट है, ये आप कोई भी आपके आसपास में जो साइकिल मैकेनिक है उनके पास जाके करवा सकते हैं। हालांकि ये भी मैं आपको करके दिखा सकता था, लेकिन इसमें कैसा है कि साइकिल वाला जो मोटर का पार्ट रहता है मेन पार्ट होता है और रिक्स वाला पार्ट होता है। अगर इसका फिटमेंट प्रॉपर नहीं रहेगा तो बाद में साइकिलिंग में आपको काफी सारी दिक्कत देखने के लिए मिल सकता है, क्योंकि इसका अलाइनमेंट सब कुछ करना रहता है। ये काम कैसा है, जो रेगुलर बेसिस पे जो रोज कर रहे हैं उनके पास जाके आप करेंगे, क्योंकि उनका रोज का काम है, वो काफी अच्छे से आपको करके देंगे। बाकी इसके फिटमेंट का वीडियो ऑलरेडी यूट्यूब पे काफी सारे अपलोडेड है, आप वहां से जाके देख सकते हैं। यहाँ पर आपको व्हील फिट करने से पहले आपको क्या करना है, जो पीछे आप ये जो एरिया देख रहे हैं इसके बीच में जो डिस्टेंस है हमारा यहाँ से यहाँ के बीच में, तो ये जो डिस्टेंस रहता है हब मोटर के लिए थोड़ा सा कम पड़ता है। तो आप इसको जो है जैक की मदद से इसको थोड़ा सा फैला सकते हैं, जिससे जो हमारा मोटर है इजिली इसके अंदर चला जाए। मोटर के बाद में जो हमारा नेक्स्ट फिटमेंट आता है वो हमारा है पेडल असिस्ट का, तो फटाफट इसको करते हैं फिट। कोई भी इलेक्ट्रॉनिक प्रोजेक्ट को बनाते वक्त कोई चीज सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, तो वो है पीसीबी। पीसीबी आपका जितना बेस्ट रहेगा उतना आपका प्रोजेक्ट बेस्ट बनेगा। तो आज जो मैं आपको वर्ल्ड का सबसे ज्यादा यूज होने वाला मोस्ट ट्रस्टेड पीसीबी डिजाइनिंग सॉफ्टवेयर के बारे में बताने वाला हूँ, जिसका नाम है एलटीएल डिजाइनर। आप जो इससे काफी आसानी से पीसीबी डिजाइनिंग कर सकते हैं। इसका इंटरफेस जो काफी ज्यादा यूजर फ्रेंडली है, और तो और इनके पिछले 35 साल की इनोवेशन और डेवलपमेंट के बाद में आज जो है इनका सॉफ्टवेयर वर्ल्ड का मोस्ट ट्रस्टेड पीसीबी डिजाइनिंग सिस्टम है। तो इससे जो आप पीसीबी की छोटी छोटी डिटेल को भी एनालाइज कर सकते हैं। तो जो कोई इंटरेस्टेड है उसका लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो यहाँ पे अगर आप कोई भी इलेक्ट्रॉनिक्स पार्ट्स को भी अगर आप बाय करना चाहते हैं तो थाउजेंड्स ऑफ मैन्युफैक्चरर एंड हंड्रेड्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूटर आपको जो ओक्टा पार्ट्स पे मिल जाएंगे, तो वहां से जाके जो आप डायरेक्टली इनसे परचेज कर सकते हैं कोई भी इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम को। तो जो कोई इंटरेस्टेड है मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया, फटाफट जाके आप चेक। बॉटम ब्रैकेट है उसको अंदर इस तरीके से कुछ आपको डाल देना है। इसको ऐसे रखने के बाद आपको फिर से एज इट इज वहां पे लगा के टाइट कर देना है। ये हमारा पेडल से सेंसर है जो हमारा बॉटम के साथ में फिक्स हो गया है, और ये जो आप देख रहे हैं ये हमारा एक्सेल के साथ में मूव कर रहा है। देखेंगे तो यहाँ पे जो है हमारा जो बॉटल माउंट आता है, मतलब बॉटल स्टैंड आता है, उसी जगह पे हम बैटरी माउंट करेंगे। तो यहाँ पे आप देखोगे तो ये हमारी बैटरी है, इसी बैटरी को यहाँ पे हम फिट करेंगे। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, ये जो लॉक दिया हुआ है ना इसको हमें ओपन करना है। इस तरह ओपन करने के बाद हमें यहाँ से ये पार्ट को ऐसे बाहर निकाल लेना है इस चीज़ को। उसके बाद इसको हमें एलेंकी नट के थ्रू यहाँ पे हमें फिट कर देना है। पर आपको जो है नॉर्मल ब्रेक लीवर निकालने के बाद में जो हमको किट के साथ में ब्रेक लीवर मिलता है उसको अभी हम लोग जो लगाएंगे। ब्रेक लीवर फिट होने के बाद अब हम थ्रोटल फिट करेंगे। पर वायरिंग के एक्सप्लेनेशन का वीडियो ऑलरेडी मैंने इसके पहले वाले वीडियो में कवर कर लिया है, तो जिन किसी को भी वायरिंग के बारे में डिटेल देखना हो तो लास्ट वाले वीडियो में जाकर देख सकते हैं। बाकी अब फटाफट फिटिंग करना चालू करते हैं।
फाइनली हमने कंट्रोलर को इस जगह पे फिट कर दिया, लेकिन अगर आपको स्पेस यहाँ पे मिल रही है तो इस जगह पे भी फिट कर सकते हैं। आप देख सकते हैं आपके साइकिल में कौन सी जगह पे स्पेस बचा हुआ है। उसके बाद में यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये जो हमारा टोटल हो गया दोनों साइड में, ये हमारा ब्रेक लीवर, ये हमारी हो गई बैटरी, नीचे ये हमारा पैडल असिस्ट के बाद में ये हमारा मोटर, और एट द एंड में सारे वायर को हमने यहाँ पे कनेक्ट करके टाई कर दिया। टाई करने के बाद में यहाँ पे कंट्रोलर साथ में कनेक्ट कर दिया। तो आपको जो फोर्स अप्लाई करना पड़ता है वो फोर्स कम हो जाता है, आपको रेंज एक्स्ट्रा मिलती है, इस तरह पैडल असिस्ट काम करता है। और हाँ, अभी तक आपने अनबॉक्सिंग वायरिंग का वीडियो नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां से जाकर आप चेक कर सकते हो। और हाँ, अगर आपने अभी LTM का फ्री टायर नहीं लिया है तो आप लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहां से जाकर फ्री टायर ले सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।